यहाँ पर खड़ा इधर आइए, इन लोगों का भी स्टेटमेंट लीजिए ना। इनका भी फोटो लीजिए, वो कहाँ गए और अभी इनके साथ थे। वो कहाँ है? यहाँ खड़े हो जाइए आप, यहाँ यहाँ रुक जाओ, रुक जाओ, इतनी ला जाओ, रखो यहाँ। पचास उतार भाई, क्या हुआ है? जब और हुआ था ना, क्रेटवा नीचे करा दिया जाएगा, दो क्रेट दिखेगा। चीन से कहा लिखा है ना सर, ये न्यांग लिखा हुआ, ये चाइनीज। कानपुर से लेकर दरभंगा के लिए जा रहे थे, क्या फर्क है? चांदी है, कच्चा चांदी है। कितना था तकरीबन? 10 किलो लगभग होगा। और इसके कागजात? कागजात तो भैया के वापस चला गया है, वहाँ भी कागज लेकर। तो जो पकड़े गए तो कागजात था आपके पास? कागज नहीं था। क्या हुआ? क्या नंबर है? क्या नंबर है? कहाँ पर आने वाला है? दरभंगा। ये कानपुर में कहाँ से आप लोग पाए थे? कानपुर में नियागंज से पाए थे। कौन दिया वहाँ पर डिलीवरी? उनका नाम तो हमको मालूम है, हम तो काम करते हैं ना, हम लोग जाना है, सामान लेना है, जाना है। किसके यहाँ काम करते हैं जी? किसके यहाँ काम करते हैं? हम लोग काम दरभंगा करते हैं। ये सारा माल कानपुर से दरभंगा जा रहा है? जी जी। कोई कागजात नहीं है? पकड़ा गया कागज है सर, व्हाट्सअप चला गया कागज, गलती हमसे हो गया कागज, हम अपने व्हाट्सअप नहीं है। वाहन जांच के समय जो है वो कार को रोका गया जांच के लिए, तो उसमें जांच के दौरान पाया गया कि सीट, पिछली सीट के बीच में एक लॉकर बना हुआ है। जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इसमें चांदी है और ये कानपुर से दरभंगा ले जा रहे हैं। कोई कागज़ नहीं था तो हम लोग वाणिज्यकर विभाग और पुलिस को खबर किए हैं, वो टीम भी आई है, वो लोग अब अग्रतर कार्रवाई इसमें करेंगे। लॉकर खोल के देखा गया तो उसमें चांदी का जो सिल्ली टाइप का होता है, कटिंग किया हुआ, 200-150 पीस निकला है। अब अग्रतर कार्रवाई जारी है। कितना चांदी है? अभी तौल के बाद पता चलेगा।